नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहाचार्य SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बायोजोग्राफी या जैव भूगोल की कई पॉइंट्स के बारे में पूर्व की कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं और अभी तक हमने जैव भूगोल के कई टॉपिक्स को कवर करते हुए करीब 60% कोर्स को कंप्लीट कर दिया है। आज हम जैव भूगोल के अंतर्गत जो हमने टॉपिक लिया है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स या जंतुओं का वितरण। पूर्व की कक्षा में हमने जंतुओं के आइसोलेशन के बारे में, उसकी विकास में क्या भूमिका है, पार्थकरण कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या कॉज और इफेक्ट है, उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम जंतुओं के वितरण को समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी पर जीवों के वितरण में अत्यधिक भिन्नता देखने को मिलती है। इनके वितरण को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं और भूपृष्ठ पर जंतुओं के वितरण के निम्न प्रतिरूप अपने जो पैटर्न हैं वो दिखाई देते हैं। पहला जो पैटर्न है वो कहलाता है संततय वितरण या कॉस्मोपॉलिटियन और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अनेक प्राणी पृथ्वी पर सर्वत्र मिलते हैं, ऐसे वितरण को संततय या विश्व जनिन वितरण कहते हैं। गिद्ध, चूहे, चमगादड़, कुक्कू, ग्रीन मसल साइलिटिस आदि प्राणी यथासंभव सर्वत्र पाए जाते हैं। इनमें विभिन्न वातावरण में रहने की प्रति अनुकूलन होता है। ये सुदूर प्रदेशों तक प्रवास करने तथा प्राकृतिक रोधों को भी पार करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार का जो वितरण है वो संततय वितरण के अंतर्गत होता है कि जो प्राणी आपको हर जगह उपलब्ध या मिलेंगे, ऐसे प्राणियों के वितरण को संततय वितरण कहा जाता है। दूसरी प्रकार का जो वितरण है वो कहलाता है द्विध्रुवीय वितरण या बाईपोलर डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे अनेक प्राणी हैं जिनका वितरण केवल उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुवीय सागरों में मिलता है। मध्यवर्ती महासागरों में इनका पूर्णतः अभाव पाया जाता है। प्राणियों के ऐसे वितरण को द्विध्रुवीय वितरण कहते हैं। इसके संबंध में दो प्रकार की परिकल्पनाएं हैं। प्रथम के अनुसार आदिकाल में इन प्राणियों का संतत वितरण था, किंतु किन्हीं कारणों से मध्यवर्ती सागरों से ये विलुप्त हो गए। द्वितीय परिकल्पना के अनुसार मध्यवर्ती सागरों से ये प्राणी ध्रुवों की ओर प्रवसन या प्रवास कर गए एवं इनमें रूपांतरण विकसित हो गया। सिलेंट्रेटा संघ के लेम्प्रा, सार्डिना, मिरियोथेला आदि मोलस्क के लिपेसाइना, हेलीसाइनस व क्लायोन, आर्थोपोडा के पेरीपेटस तथा मछलियों में ओंकोरिकस, लांबा, कार्नुबिका आदि ऐसे ही विभिन्न प्राणी हैं जो अलग अलग महासागरों में अलग अलग रूप से वितरित होते हैं, इसलिए इनको द्विध्रुवीय वितरण या बायोपोलर डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है। तीसरी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहलाता है असंतत वितरण या डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी एक ही जाति के या निकट संबंधी जातियों के जीव एक दूसरे से काफ़ी दूर व पृथक क्षेत्रों में वास करते हुए देखे जाते हैं। जंतुओं के ऐसे वितरण को असंतत वितरण कहा जाता है। अकशेरुकीय प्राणियों में नोट्रोडिलस, पेरीपेडस व बेलोस्टोमा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कशेरुकीय में फेफड़ों वाली मछलियां अफ्रीका के दलदली क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका के दलदली क्षेत्र व पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की नदियों में मिलती हैं। उड्डयनशील पक्षियों में शुतुरमुर्ग केवल अफ्रीका व अरब मरुस्थल में ही मिलता है। रिया अर्जेंटीना व दक्षिणी ब्राज़ील में मिलती हैं। एमू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और कीवी न्यूजीलैंड अलग अलग प्रदेशों में मिलते हैं। असतत वितरण का कारण आदिकाल में स्थल सेतुओं से संबद्धता तथा कालांतर में स्थल सेतु जलमग्न हो जाने से पृथक क्षेत्रों में विभाजन को माना जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी भौगोलिक वितरण के बारे में। भौगोलिक वितरण अलग अलग जगहों पर अलग अलग है
और जलवायु कटिबंधों के कारण और वनस्पति कटिबंधों के अनुसार इनको दो भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और तीसरा शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इनके बारे में चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी ये चैप्टर का जो ये पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन का, ये समाप्त होता है। धन्यवाद।